ओम नमः शिवाय। प्रेम संबंधी किसी भी साधक साध्वी को कोई समस्या हो तो आप इस प्रभावशाली वशीकरण यंत्र को प्रयोग कर सकते हैं। इस यंत्र को प्रयोग करना बहुत ही आसान है। इस यंत्र को प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी अपने प्यार को वापस पाने के लिए प्रयोग कर सकती है। उससे पहले सभी साधक साध्वियों को बताना चाहूँगा, जो भी हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपकी बहुत सी समस्याओं के समाधान के लिए बहुत सरल सरल विधियाँ लेकर आते हैं, जिससे आप स्वयं उस विधि को अपने हाथ से करते हैं तो आपके सभी कार्य जरूर सम्पूर्ण होंगे। ये वशीकरण यंत्र हमने पहले भी आपको बताया है और बहुत सी साध्वियाँ गलत तरीके से बनाती हैं और उन्हें इसका परिणाम नहीं मिलता, तो मैं बताना चाहूँगा। जब आप इस बॉक्स को अच्छे से बना लेते हैं तो आपने पहले यहाँ से प्रारंभ करना है, इसके बाद आपने ये लिखना है, फिर ये आपने सीरियल वाइज लिखना है, उसके बाद आपने 1 7 यहाँ लिखना है, दूसरा 7 आपने यहाँ लिखना है, तीसरा 7 आपने यहाँ लिखना है और चौथा 7 आपने यहाँ लिखना है। ऐसे इस यंत्र को पूरा करना है। उसके बाद आपने इस यंत्र के नीचे यहाँ पर जैसे कि मैं लिख रहा हूँ ए, जैसे मैंने लिखा है ए, ए के स्थान पर आपने अपने प्रेमी का नाम लिखना है और उसके बाद आपने इस यंत्र को जला लेना है। इस यंत्र को शनिवार के दिन बनाना है और शाम के समय इस यंत्र को बनाएं। जैसे कि बहुत से साधक साध्वी जब उनका कार्य संपूर्ण हो जाता है तो वो हमें ये सब बताते हैं कि उन्होंने कितने दिनों में अपने कार्य को संपूर्ण किया, और इस यंत्र को आपने 7 शनिवार लगातार बनाना है। ऐसे ही इस प्रक्रिया को करना है। इस यंत्र को बनाने के बाद आपने जला देना है और इसकी जो राख बचती है उसे किसी खाली डिब्बे में इकट्ठा करते रहें, और जब आपके 7 शनिवार पूर्ण हो जाते हैं और आपका कार्य संपूर्ण हो जाता है तो आप इस राख को किसी चलते हुए पानी में विसर्जित कर दें, और सभी साधक साध्वी इस विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर को व्हाट्सएप पे ऐड करें और अपनी समस्या को व्हाट्सएप मैसेज में छोड़ दें। ओम नमः शिवाय।